अरे बाबा, उसको टाइम ही नहीं मिला होगा तुम्हें याद करने का। हाय हाय, क्यों? स्टुपिड क्वेश्चन। ऑफ कोर्स। अरे बुद्धू, लंदन में लड़कियों की कमी है या हमारे संजू में कोई कमी है? मतलब क्या? संजू जैसे स्मार्ट हैंडसम यंग लड़के को लंदन जैसे शहर में डिस्कोटेक्स, नाइट क्लब, पब्स, इसकी उसकी लड़कियों की कमी हो सकती है क्या? ओ या, और पता नहीं वहां की लड़कियों में कुछ अजीब सा जादू है कि जो भी वहां जाता है एक्सेस बैगेज लेके आता है। एक्सेस बैगेज? ओ या, गोरी गोरी लंबी लंबी नीली नीली आंखों वाली मैम। जल्दी नंबर दो मुझे संजू का, अभी। हाँ डिंगू, सुना? वो फोन नंबर भी नहीं देकर गया। सो बैड। बैड? वेरी सैड। कोई बात नहीं, तुम्हें फोन नंबर मैं दूंगा ताकि तुम उसे रंगे हाथों पकड़ लो। हाँ, फोन पे। चलो पहले तो करते। हाय संजू, साहिल। हाँ मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? तेरी शामत आई यहाँ पर। हेलो, हाय संजू। हाय शिल्पा, मैं यहाँ तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे मालूम है तुम मुझे मिस कर रहे हो ना। हर वक्त, हर पल, हर टाइम मुझे तुम्हारी ही याद आ रही है। क्या हर वक्त मेरी याद आ रही है? आ रही है कि नहीं, सच बोलो। मारा कुछ बड़े तो शक क्यों करती हो? नहीं नहीं, मैं नहीं, ये दोनों मुझे यहाँ पे चिढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि तुम लंदन जाते ही मुझे भूल गए हो और वहाँ पे दूसरी लड़कियों के साथ गुल खड़ रहे हो, रहे हो। पर मुझे मालूम है तुम ऐसा नहीं करोगे। नहीं करोगे ना? बाबा, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? हेलो संजू, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो शिल्पा। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। देखो संजू, अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना तो तुम बहुत जलील होगे। अच्छा मैं भी फोन रख रहा हूँ, वरना डेजी दादी का बिल बहुत बढ़ जाएगा। ओके बाय। हेलो हेलो संजू। इडियट। ओके ओके संजू, बाय, सी यू, टेक केयर। ओके डियर। ओके, देखा मेरा संजू मुझे हर वक्त याद करता है। आई नो माय संजू वेरी वेल। ओह ये, इधर इधर संजू। शिल्पू, तुम वापस आ गए। तुम लोग मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे थे? तुमको बेवकूफ? ऑलरेडी जो होता है ना उसे वो नहीं बनाते, जैसे मैंने आज तक तुम्हारे संजू को बेवकूफ नहीं बनाया। तुम लोग खामखा अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? चाचू, चाची नहीं आई? आई ना। हल्ले लो, चाची तो चाचू को ले आई, वरना याद थोड़ी रहे थे। क्यों? लंदन की हवाई ऐसी है, वहाँ जो भी जाता है बस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। संजू तुम भी? नहीं, सोनू का इशारा तुम्हारी संजू की तरफ नहीं था, ऐसा लगा लेकिन था नहीं। इस बेचारे ने तो लंदन में कुछ एंजॉय किया ही नहीं। मुझे इसी बात की तो शर्मिंदगी है कि मेरा भतीजा इतना शरीफ है, पता है लंदन में भी जाके एकदम ये बदला नहीं। तो मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ ना संजू? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। भाई आप शिल्पा से ना डर क्यों रहे हो? कल शाम को तुम इतना बोल रहे थे, वो अभी बताओ। हाँ चाचू, आप डरिए मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। आप मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। मैं तुमसे कहाँ डर रहा हूँ? तुम्हें मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन और मेरे वॉइस के टोन को देख के ही नहीं पता चलता कि मैं सच कह रहा हूँ? हाँ हाँ, सच कह रहा है मेरा सोनू, सच कह रहा है। सोनू सच कह रही है कि मैं सच कह रहा हूँ, और ये बिल्कुल सच है। संजू तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। चलो भाई चलो, हमसे तो संजू को झूठ बोलते हुए नहीं देखा जाएगा। ओ या, संजू इससे तो अच्छा होता तूने कुछ किया ही ना होता। मतलब किया ही होता। हाँ हाँ डंबो, वही ना साइलेंट है। What rubbish! कीर्ति, अब तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। ये तो ना जाने क्या क्या नहीं कहना चाहते हैं। बताओ चाचू। हाँ, बताओ। बता दो क्या है ना, तुम्हारी भी सच बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी चाचू। संजू डोंट टेक रिस्क, का पता नहीं कीर्ति कितना बड़ा चढ़ा के बता दे। इससे अच्छा तो ये तू खुद ही कन्फेस कर ले। अरे व्हाट डू यू मीन बड़ा चढ़ा के बताऊंगी? अगर संजू ने वहाँ किसी लड़की से थप्पड़ खाया तो गाया। मतलब हल्लेलो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि एक जवान लड़का एक जवान लड़की से थप्पड़ क्यों खाता है? अभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है ना, लोगों ने तो मेरे इमेज को खराब करने का होमवर्क ले रखा है। हाँ हाँ, देखा देखा,
ये यहाँ तो मुझसे लड़ाई करती ही है, वहाँ भी लड़ाई करती रहती थी। वह डैडी ने हम लोगों को एक साथ बाजार क्या भेज दिया, ये तो वहाँ भी शुरू हो गई। करने लगी थी। अरे अरे अरे, अब कहाँ घुसे जा रहा है, अंधा है, दिखता नहीं है। ओ, मैं कह रहा हूँ ना, एक कॉपी। मैं कह रही हूँ दो कॉपी। अरे मैंने अपने कानों से सुना है, एक कॉपी। मैंने भी सुना है, डेजी आदि को भी तो कॉपी चाहिए ना। बाबा, अरे डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? कहाँ जा रहा है, यही तो है दुकान, चलो अंदर। ये शॉप है क्या, चल जल्दी अंदर चल। लाइन संजू शॉप। हे लिसन, अपने को समझते क्या, डैडी ने मुझे बोला है। यू आर हायरिंग द गर्ल, यू डू योर ओन शॉपिंग, लेट हर डू हर। तो क्या हुआ, हमारा बेशरम संजू अगले दिन फिर निकल पड़ा नए थप्पड़ की तलाश में। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड स्टफ है। हाउ मच इज दिस वन फॉर? दिस वन, दिस इज 40 पाउंड्स। एंड दिस वन? दैट्स फॉर 30 पाउंड्स। एंड दिस वन? दैट्स 30 पाउंड्स। एंड दिस वन? What? Tell me, is something you really want to buy? Oh yeah, I want to know the way to Selfridges. Could you direct Selfridges? Okay. So you want to go to Selfridges? Yeah. Okay. First, take a right, then go straight down the lane. Take a left before the beauty parlor. Oh, where? Straight down the lane. That way. Left before the beauty parlor. By the way, you're a very pretty girl. Very gorgeous. निकला तो था ये थप्पड़ी खाने, मगर मैंने इसकी तमन्ना पूरी नहीं होने दी। क्या आप डेट पहुंच गया और कान पकड़ के बचा लिया इसे, है ना संजू? और शुरू हो गया। अच्छा शिल्पा, चाचू से भी तो पूछो, मुझे हटाकर खुद क्या कर रहे थे? मैं तो तेरी हरकत के लिए सॉरी कहने गया था उसे। अच्छा सोमू, सॉरी कितना छोटा वर्ड है, इतना सा बोलने में कितनी देर लगती है? अरे ठीक, सॉरी कहने जा ही रहा था कि तुमने कान पकड़ के हटा लिया वहाँ से। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, हाय, दैट्स माय डैड, यू नो ही इज रियली क्यूट, ही ऑलवेज डज दिस। आउच, अबा, अबा, आउच। व्हाट अ क्रेजी फैमिली। बाय। नेक्स्ट 10th अक्टूबर अम्यूजमेंट पार्लर, संजू ने लड़कियों पर पैसे लुटाए। व्हाट? डिटेल्स में बताओ क्या हुआ। डिटेल्स? हम लोग वहाँ पहुँचे, सारे एक से एक गेम खेलने में लग गए। मैं भी हैरान, संजू और हमारे साथ, हम खुश हुए। हम लोग एंजॉय कर रहे थे। हाँ, और संजू भी एंजॉय कर रहा था। हंसना है, रोना है, जीना है, मर जाना।